नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैंने जो बाइजल लेवल कम स्क्रीनर बनाया उसी को और भी आसान तरीका से कैसे स्क्रीन किया जा सकता है, करेक्ट एंट्री ले सकता है, सेफेस्ट एंड करेक्ट एंट्री ले जा सकता है, उसको मैंने दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत जरूर देखिए और ये वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ और रेगुलर व्यू देता हूँ और बाइजल लेवल रिकमेंडेशन देता हूँ। तो इसको वीडियो आप लोग को मिल जाएगा और भी बहुत सारा स्ट्रैटेजिस्ट है वो भी आप लोग को मिल जाएगा, जो 90% एक्यूरेसी से आप काम करेगा। और भी बहुत सारा सेफ स्ट्रैटेजीज है, कैसे पेयर ट्रेडिंग, आर्बिट्रेज और बहुत सारा चीज़ मैंने डिस्कस करके वीडियो बनाया हूँ, तो वो भी आप लोग को काम पाएगा। ये वीडियो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए तो इसको आप लोग को बहुत सारा वीडियोज मिल जाएगा और ये आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठा सके। तो ये वीडियो आप लोग अंत जरूर देखिए। और ये जो मैंने बहुत बाइसेल स्क्रीन बाइसेल लेवल स्क्रीनर और बाइसेल लेवल जो दोनों फाइल आप लोग जानते हैं, मैंने क्यों बार बार बोलता हूँ क्योंकि आप लोग को कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो बाइसेल लेवल कम स्क्रीनर मैंने जो बनाया और दो फाइल बनाया है, बाइसेल लेवल 3 और बाइसेल लेवल बाइसेल लेवल कम स्क्रीनर। तो बाइसेल लेवल ऑल बाइसेल एक जो स्क्रीनर में बाइसेल लेवल कम स्क्रीनर में ऑल बाइसेल लेवल के अंदर तीनों बाइसेल लेवल रहता है। बाइसेल लेवल 1 ये भी आप लोग अच्छा काम करेगा, बाइसेल लेवल 2 और बाइसेल लेवल 3 रहता है। और मेरा जो मोस्ट रिकमेंडेड है वो बाइसेल लेवल 3, वो मैंने अलग से फाइल बनाया हूँ उसको भी आप लोग को शेयर करेंगे। और इसमें कुछ पैरामीटर्स लगा होता है, इसमें वोलेटिलिटी, डिलीवरी परसेंटेज, चेंज इन प्राइस, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, BWAP, EMA क्रॉसओवर, प्रोबेबिलिटी, बोलिंजर बैंड, इसिमोको क्लाउड, ये सब देख के आप लोग स्क्रीनिंग भी कर सकता है। और इधर इस सीट में आप लोग को बाइसेल लेवल 3 मिल जाएगा और दूसरा कुछ इंडिकेटर लगा हुआ है, इधर आप लोग देख सकता है वो क्रॉस ओवर के होके देखे आप लोग स्क्रीनिंग कर ले सकता है। इधर आर्बिट्रेज का जो बेसिस पॉइंट होता है फ्यूचर और फ्यूचर और कैश का जो बीच में जो डिफरेंस रहना चाहिए वो भी इधर से आप लोग को मिल जाएगा और ताकि आप लोग आर्बिट्रेज कर सकते हैं। आप लोग पेयर ट्रेडिंग का भी इधर परसेंटेज दिया हुआ है, वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं पेयर ट्रेडिंग के लिए। तो ये आप लोग को ये स्क्रीनर आप लोग को मिल जाएगा, जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा पेड सर्विस के लिए ज्वाइन हो सकता है होगा फ्री ट्रायल के लिए। मैंने फ्री ट्रायल एक हफ्ते के लिए देता हूँ, तो आप लोग इसका लिंक आप लोग को वीडियो में देखा जाएगा। इसका जो वीडियो का ये जो मेरा बाइसेल लेवल का परफॉर्मेंस क्या कैसे चल रहा है, क्या क्या चेंज ले आता हूँ और कैसे इसको स्क्रीन किया जा सकता है वो भी आप लोग को दिख जाएगा। तो ये सब वीडियो आप लोग को पहले देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, आप लोग को सुविधा होगा। तो देखिए मैंने जो बाइसेल लेवल 3 में मैंने जो चेंज लाया था वो भी आप लोग को पहले वो भी फिर से बताता हूँ। मैंने पहले वाला वीडियो में बताया था अप ट्रेंड में बाइसेल लेवल रखा हूँ, डाउन ट्रेंड में भी बाइसेल लेवल डालता हूँ। जो स्टॉक्स अप में जा रहा है वो और भी अप जाएगा तो कौन सा लेवल में उसको सेफ रहेगा एंट्री लेना, जो अप ट्रेंड में जो है जो रिटेस्ट करके नीचे आएगा उसको कौन सा लेवल पर सेफ रहेगा, जो डाउन ट्रेंड में है वो रिटेस्ट करके बाई होगा तो कौन सा लेवल पे सेव एंट्री लेना सेव रहेगा, और जो सेल ब्राउन ट्रेंड है और भी एक्सटेंडेड होगा मतलब और भी नीचे जाएगा तो कौन सा लेवल पे उसको लेना सेफ होगा, ये आप लोग को इधर से मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग को ये बनाया हो, तो इसमें कंफ्यूजन वाला कोई बात नहीं है, बहुत ही ईजी है। आप लोग को इधर से दिख जाएगा कौन सा लेवल पर कौन सा है, बाई लेवल अप ट्रेंड में ये दिख जाएगा, सेल अप ट्रेंड में ये दिख जाएगा, बाई डाउन ट्रेंड में ये दिख जाएगा, सेल डाउन ट्रेंड में ये दिख जाएगा। सिंपल एक्सटेंशन एंड रिट्रेसमेंट, जो अप ट्रेंड में है वो और ऊपर जाएगा, लेकिन आप लोग कौन सा लेवल पे आप लोग उधर एंट्री ले लिया तो वो नीचे चला आया, तो कौन सा लेवल पे एंट्री लेने से वो नीचे आएगा, सेल लेवल वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो कौन सा लेवल आप लोग को सेफेस्ट रहेगा, और डाउन ट्रेंड में रिटेस्ट करके डाउन ट्रेंड में और भी नीचे जाएगा तो वो उसका सेल लेवल कैसे होगा, तो आप लोग कोई भी जाएगा सेल करें वो आप हो जाएगा तो आप लोग को लॉस हो जाएगा, और बाई डाउन ट्रेंड वो रिटेस्ट करके बाई जा रहा है तो ऊपर जा रहा है तो कौन सा लेवल, ये इसीलिए ये मैंने किया हूँ। और इधर से आप लोग को क्लियर पिक्चर आ जाएगा, तो और भी करेक्ट होने के लिए मैंने इधर क्या लगा हूँ, 530 EMA का क्रॉस ओवर लगा दिया हूँ, 530 मूविंग सिंपल मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर लगा। उसमें क्या होता है, पहले देखिए जो इधर पहले आप लोग
सोच लीजिए, आप लोग बाई करना चाहता है, कौन कौन स्टॉक बाई में है वो आप लोग देखना चाहता है, तो उसी के ऊपर आप लोग नज़र रखें। तो पहले इसको देखे आप लोग स्क्रीन कर लीजिए, पहले इसको देखे आप लोग देख लीजिए, ये ट्रू सब, ये सब बाई लेवल पे है। ये इसके मतलब 530 का EMA का क्रॉसओवर हो गया है। उसके बाद आप लोग देखिए बाय किसी भी लेवल दे सकते हैं। सोच लीजिए बाय का पिवट पॉइंट और बाय का बीच में जो बाय एंट्री का लेवल बीच में है वो आप लोग स्किन करने चाहता है, तो इधर से आप लोग देख सकता है। इसके बाद आप लोग सोच लीजिए पिवट बाय साइड में बाई डाउन ट्रेंड में, मतलब जो डाउन ट्रेंड में चला गया वो बाई हो बाई का लेवल पे आ रहा है वो दिख रहा है, तो इधर से ये आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग सोच लीजिए T1 और T2 के बाई एंट्री का लेवल और टारगेट 1 के बीच में वो कौन सा स्टॉक्स है वो आप लोग दिखना चाहते हैं, वो भी आप लोग को इधर से दिख जाएगा। इधर से आप लोग T1 और T2 के बीच में कौन सा स्टॉक्स है वो भी आप लोग वो देखना चाहेंगे, तो वो आप लोग को इधर से दिख जाएगा। क्या क्या होगा जो 530 का क्रॉस ओवर होगा प्लस इधर से आप लोग को आ जाएगा, ये एकदम सियर शॉर्ट और करेक्ट एंट्री होगा। क्यों मैंने ऐसा किया हूँ, क्योंकि जो मैंने पहले मैंने दिखाया था स्टॉक्स कल मैंने एक आप लोग इधर देख सकते हैं, कल 6:30 बजे मेरा ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें मैंने एक फाइल शेयर किया था कमोडिटी का लेवल, तो कमोडिटी का लेवल में क्रूड में वो फाइल मैंने इधर डाउनलोड कर लिया, इधर मैंने डाउनलोड कर लिया। तो देखिए इधर क्रूड ऑयल का जो उसका करेंट उसको उसका तो करेंट मार्केट प्राइस चल रहा था 4198, उसके नज़दीक वाला सब बाई सेल लेवल था सोच लीजिए इधर 92 इधर ये अप ट्रेंड में था। मैं तो चार्ट देखे पता चल करूँगा, लेकिन अब पता चल जाएगा मेरे को, मैंने डाउन उस टाइम जा गया ही नहीं था। देखिए 6:30 बजे ये अप ट्रेंड में था, हम लोग को दिख रहा है इधर से, तो ये अप ट्रेंड में था। लेकिन क्या हुआ तो इसमें जब, लेकिन आप लोग को कैसे पता चलेगा, ऑनली ये फाइल देख के आप लोग को कैसे पता चलेगा, इसीलिए मैंने ये क्रॉसओवर को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इधर देखिए सॉरी ये फाइल नहीं ये फाइल, तो ये जो 4988 था उस टाइम इधर बाई का एंट्री लेवल था 4233, वो नहीं गया तब तक, वो उसका सेल लेवल था 4182 और वो तो डाउन ट्रेंड में नहीं था, डाउन ट्रेंड का वाई ट्रेंड का नहीं देखना चाहिए 4192, और सेल का एंट्री लेवल ये था। तो नज़दीक कौन सा आ रहा था, नज़दीक आ रहा था ये वाई का एंट्री लेवल नज़दीक आ रहा था और सेल का ये एंट्री लेवल नज़दीक आ रहा था, तो उस टाइम वो कौन सा लेवल पे दिखा रहा था, ये ट्रू अप ट्रेंड में दिखा रहा था। लेकिन जब वो अप ट्रेंड दिखा रहा था लेकिन अप ट्रेंड का सेल लेवल इसका आ गया था, तो आप लोग को ये गलत हो जाता था। ये देखिए इधर जब मैंने 6:30 बजे जो गिर दिया था उसके बाद ये 82 के नीचे आ गया था, 82 नीचे 78 आ गया था, लेकिन मेरे को पता चला मैंने स्ट्रेट करता तो इधर मैंने घुसना नहीं घुसते ही नहीं था, मतलब एंट्री नहीं लेता था। तो उधर देखिए जब ये जब इधर जब क्रॉस ओवर दिया था उसके बाद में मैंने फाइल शेयर किया था वो आप लोग देख सकते हैं, उस टाइम के बाद जब वो फाइल मैंने शेयर किया था तो उसके बाद वो देखिए क्रूड ऑयल मतलब ऊपर जग गया था और नीचे उसके बाद नीचे भी चला आया था, इसके बाद 6:30 बजे इसके बाद ये नीचे भी चला आया था। तो इसीलिए क्या होता था, तो जब आप लोग को आप लोग इधर घुसते ही नहीं, आप लोग इधर एंट्री नहीं लेते थे, इधर जब 4182 जब आप लोग 530 EMA क्रॉस ओवर मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर देखे आप लोग करते थे, तो आप लोग डाउन ट्रेंड में सेल लेवल आया था लेकिन आप लोग एंट्री नहीं लेते थे। तो इधर देखिए इधर उसके बाद ये 4192 अप ट्रेंड का जो मतलब जो जो भी बाई होगा वो भी आप लोग को उस टाइम करना चाहिए। तो इधर 4192 का जो नियरेस्ट बाई लेवल था वो जो कुछ भी हो मतलब अप ट्रेंड का बाई लेवल हो, जब 530 का EMA क्रॉसओवर दिखाएगा आप में तो किसी एक बाई एंट्री का लेवल में जो नियरेस्ट होगा वो आपको सेल लेवल में देखना ही नहीं है। तो उधर आप लोग सेल लेवल देखते थे तो इधर सेल के गलत में गलत एंट्री हो जाता था। तो इधर देखिए जब 4192 के ऊपर गया उस टाइम जब 7:15 बजे ये 22 तक चला गया था, मतलब इधर 20-22 तक चला गया था, 92 पे उससे ऊपर वो आप लोग एंट्री लेते थे, लेकिन इधर हो जाता था आप लोग को स्टॉप लॉस लग जाता था। तो मतलब इसीलिए आप लोग ये दोनों के साथ इसको आप लोग करेंगे तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। इधर देखिए सिल्वर उस टाइम
सिल्वर भी उस टाइम डाउन ट्रेंड में दिखा रहा था, लेकिन देखिए इधर हम लोग जब देखेंगे क्रॉसओवर, देखिए